भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने गोवा चुनाव के प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम चुनकर लाएंगे। गोवा के हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छा कार्य पिछले 5 वर्षों में किया है और उस कार्य के आधार पर ही हम वापस चुनकर आएंगे। ये बात जरूर है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय मनोहर भाई पर्रिकर, इनकी कमी हमें खलेगी, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया है और जिस प्रकार का संगठन उन्होंने तैयार किया है उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से वहाँ पर चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही गोवा के साथ खड़ी हुई है और हम लोग चुनाव में जाते रहे। मैं पिछले 4 चुनाव में वहाँ रह चुका हूँ तो वहाँ की राजनीति की थोड़ी जानकारी मेरे पास भी है और मेरा विश्वास है हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, चाहे फिर वो हमारे गृहमंत्री अमित भाई शाह हो, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो या हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी हो, इन सभी की सहायता लेकर निश्चित रूप से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, विकास का कार्य हमने किया है, मोदी जी का नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, उसके भरोसे हम लोग आगे जाएंगे। बाकी तो आज पहला दिन है, आज आप सब पूछ लेंगे तो मैं बाद में आपसे क्या बात करूंगा। सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव तो होने जा रहे हैं, एक यूपी में ऐसा समीकरण देखा जा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन ज्यादा हो रहा है, चाहे वो मायावती हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो क्या लग रहा है कि यूपी की राजनीति ब्राह्मणों पे ही टिकी है? देखिए, यूपी की राजनीति में अलग अलग समाजों का अपना एक सम्मान है, वैसे ब्राह्मणों का भी सम्मान है, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे राजपूत हो चाहे ओबीसी हो चाहे अगड़े हो चाहे पिछड़े हो चाहे दलित हो, किसी भी समाज के हो, सारे समाजों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। क्योंकि हमारे नेता मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और वहां पर योगी जी की जो नेतृत्व है वो बहुत प्रभावी ढंग से लोगों के सामने आया है, और इसलिए मुझे लगता है कि कोई किसी भी समाज को बहलाने का फुसलाने का प्रयास करे तब भी सारे समाज बीजेपी के साथ रहेंगे।